वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 22 ऑफ क्लास सिक्स टू एट्थ जो वर्कशीट है वो हम देखने वाले हैं। आज की जो वर्कशीट है वो हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ये 30 जुलाई की वर्कशीट है, एक एक करके देखते हैं। आइए चलते हैं, पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर पेड़ है और पेड़ के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगाई हुई है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फूल है, ऑयल है, मेडिसिन है, बच्चे खेल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे गाय है जो अब खाना खा रही है, चल रही है। तो इसके अंदर आपसे कुछ यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछे गए हैं, तो आपको इन सबके नाम बताने हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कर लिया होगा और ये अब हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसका एक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर। तो चलिए आप भी अपनी वर्कशीट खोल लीजिए और साथ ही साथ अपना आंसर इसके साथ चेक कर लीजिए। आइए चलते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है फ्लावर, उसके बाद है पेपर, यहाँ पे है रबर, ये है फ्रूट्स, ये है गम, ये है परफ्यूम, ये है मेडिसिन और ये हो गए टी, यहाँ पर देखेंगे हो गया शुगर, ऑयल, इधर देखते हैं तो ये है स्पाइसेस मतलब मसाले, ग्रेन्स, ये ग्रेन्स का मतलब हो गया चावल या अनाज, फैब्रिक जो कपड़ा हो गया जिसकी मदद से आप ये कपड़े बना के पहनते हैं, वेजिटेबल्स और वुड। तो ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपने उम्मीद करता हूँ भर लिए होंगे और ये सारे आंसर आपके ठीक होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द कंट्री विद डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, आइडेंटिफाई यूजेस ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द गिवन फिगर एंड राइट इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पे मैंने अपना एक आंसर छोटा सा लिखा है, आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट उसके अंदर हमें जो बताना है वो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें बताना है फॉरेस्ट के यूजेस। तो अगर आपने यूजेस लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, there are many uses of forest, some of them are, it gives us food, oxygen, paper, flower, rubber, medicine, etc. जो भी हमने पिक्चर में ऊपर लिखा था और उसमें से कुछ चीजें हमने लिख दी हैं। It is home to many animals, यहाँ बहुत सारे animals रहते हैं, it can also become your play space to enjoy the beauty of nature, हम वहां जाके खेल भी सकते हैं और साथ में दोस्तों के साथ जो environment है उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसी वर्कशीट को हिंदी में देख लेते हैं। ओके, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, ये फूल हो गए, कागज, रबर, फल, गम, इत मतलब परफ्यूम, दवा मतलब मेडिसिन, चाय, चीनी, तेल, मसाले, अनाज मतलब राइस और गेहूं, कपड़ा, सब्जियां और लकड़ी, ये सारी की सारी चीजें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं, पेड़ों से मिलती हैं बेसिकली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेम ही है कि हमें बताना है इसमें कि आपको फॉरेस्ट से क्या क्या यूजेस होते हैं, फॉरेस्ट मतलब वन से, वन एक वन के कई उपाय उपयोग हैं, उनमें से कुछ है यह हमें भोजन, ऑक्सीजन, कागज, फूल, रबर, दवा और कई और चीजें देते हैं। यह कई जानवरों का भी घर है, आप यहाँ प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। सो आज की वर्कशीट में इतना ही, नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं जल्द ही कल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।